गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज जो ज्योमेट्री का जो एक्स्ट्रा हॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पार्ट हम लोग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे हमें जो डायग्राम दिया गया, फिर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये दो साइड्स क्या दिया आपको, कॉन्ग्रुएंट दिए। इसका मतलब हमेशा इसमें ट्राई क्या करना है, जो चीज आपको पता रहता है उससे आप सारा गिवन डेटा पहले आप बता के रख दो। ये एंगल क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पे ये एंगल भी क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिया, एक्स ले लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, दैट इज क्या लेंगे, वाई, और इसको क्या लेंगे, वाई। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, ये वाई ढूंढ के निकालना। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सी डी पैरेलल किससे, एफ ई के साथ। तो इन ट्राइंगल यहाँ पे क्या होगा, सी डी ई। ठीक है, यहाँ पे रहेगा एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये क्या होगा, वाई प्लस यहाँ पे होगा वाई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स कितना होगा, 180 डिग्री। ये ऐड होके कितना आएगा, दैट इज 2y। सी डी कितना, दैट इज 40 डिग्री। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स ये कितना होगा, 180 प्लस 40 यहाँ पे क्या, तो क्या होगा, -40। 2y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 140। पहले हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन दूसरे लेके आना, एंड देन फिर मल्टीप्लीकेशन दूसरे गया तो क्या होगा, डिवीजन। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 70 डिग्री हो जाएगा। तो y का वैल्यू इस केस में कितना हो गया, 70। अब यहाँ पे क्या बताएंगे, अब यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, क्या फॉर्म हो रहा है, नोटिस हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये जो वाई और एक्स है ये दोनों क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, दैट इज मेजर एंगल एक्स इक्वल्स मेजर एंगल वाई इक्वल्स यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज क्या रीजन लिखेंगे, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट आते ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर आप नोटिस करोगे ये जो पार्ट है, दैट इज ये यहाँ पे जो बना है, एंड ये जो पार्ट है, ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से नोटिस हो रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, ये कहाँ पे जेड के नोटिस हो रहा है, बाहर के साइड है। तो ये क्या आएगा, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो रहा है, फॉर्म। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, 5x के साथ प्लस 4x इधर गया तो क्या होगा, -4x। इधर -10 यहाँ पे गया तो क्या होगा, +10। इधर 1x इक्वल टू कितना होगा, 25। अब हमें दोनों एंगल ढूंढना है, तो 5x -10 विच इज 5 × 25 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 10, विच इज 125 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 10, विच इज इधर कितना होगा, 115 डिग्री। फिर वैसे हमें क्या ढूंढना है नेक्स्ट वाले में, अरे यहाँ पे नोटिस करोगे इधर क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन ऑन द सेम साइड। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज इंटीरियर एंगल्स। और अगर मैंने क्या किया, इंटीरियर एंगल्स को क्या कर दिया एड, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए, 180। तो यहाँ पे होगा x प्लस 22, 2x माइनस 13 इक्वल टू यहाँ पे होगा 180। 1x और 2x ऐड किया तो क्या होगा, 3x प्लस यहाँ पे कितना होगा, 9 इक्वल्स कितना होगा, 180। प्लस 9 यहाँ पे गया तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे हमने क्या किया, x वाले पार्ट्स को ऐड करके कितना लिखा, 3x प्लस 22 और -13 को ऐड करके कितना लिखा, +9। 3x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 171। x इक्वल्स 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ये पहले 3 5 जा कितना होगा, 15। ये कितना होगा, 21। 3 7 जा कितना होगा, 21। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 57। अब हमें क्या करना है, दोनों एंगल्स ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे होगा, दैट इज एक्स प्लस 22 विच इज 57 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 22।
याडो के यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 79 डिग्री। सिमिलरली दूसरा एंगल हमें ढूंढने बोला है, तो 2x माइनस क्या होगा 13, विच इज 2 × 57 माइनस यहाँ पे क्या होगा 13, तो ये कितना आएगा, दैट इज 114 माइनस 13, विच इज यहाँ पे होगा 101 डिग्री। इसमें दैट इज जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्वाइट इजी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करेगा, ये जो एक्स और ये वाई डायरेक्टली आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज ये दोनों को करोगे, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आपका सॉल्विंग ऐसे होना चाहिए। आप यहां से डायरेक्टली ये एक्स को नहीं ढूंढोगे, क्यों, क्योंकि सी और जी जो है ये पैरेलल नहीं है। तो आप सॉल्व करते हो क्या करेंगे, 55 यूज करके एक्स ढूंढेंगे, तो 55 और एक्स में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये साइड का पहले एंगल ढूंढोगे, फिर दोनों का शेप क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब हम लोग कौन सा वाला करते हैं, ये एक्स वाला करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं, इधर क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेलल लाइन, इधर क्या है ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या पैरेलल लाइन कहाँ पे है, ऑन द सेम साइड। तो ये दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइन ए सी पैरेलल होगा किससे, लाइन डी जी के साथ। फिर इधर क्या दिख रहा है, दैट इज लाइन डी एफ इज क्या, दैट इज ट्रांसवर्सल। फिर यहाँ पे एंगल ए बी एफ, दैट इज ए बी एफ प्लस यहाँ पे एंगल क्या आएगा बी एफ ई, दोनों मिला के कितना डिग्री होगा 180। अब जो ए बी एफ है ये कितना आएगा, 41 + 60 होगा, तो ये होगा 101 डिग्री। यहाँ पे होगा एंगल बी एफ ई, ये कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी एफ ई जो है ये बन जाएगा दैट इज 180 डिग्री प्लस 101, इधर गया तो क्या होगा माइनस। एंगल बी एफ ई जो है ये कितना होगा, दैट इज यहाँ पे बन जाएगा 79 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक्स का वैल्यू मिल गया, दैट इज 79। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हमें क्या बोला गया, दैट इज ये वाला एक्स ढूंढ के निकालने हमें बोला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो एंगल्स, देखो ये दिख रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ये एंगल एंड जो ये एंगल रहने वाला है ये दोनों क्या रहेगा इक्वल, ये भी क्या रहेगा वाई, ये भी क्या रहेगा वाई, क्योंकि इनके जो साइड्स है ये क्या यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे दैट इज ये वाला एंगल दैट इज डी ई बी, तो यहाँ पे आएगा एंगल डी ई बी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा एंगल बी ई एफ, ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। यहाँ पे इसका रीजन क्या, दैट इज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर। फिर आते नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे डी बी के बदले कितना होगा 134 प्लस एंगल बी ई एफ, कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। एंगल बी ई एफ जो है ये होगा 180 माइनस 134, एंगल बी ई एफ ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज सब्ट्रैक्ट करने पे ये बन जाएगा यहाँ पे 46। ओके, तो हमें यहाँ पे ये वाला एंगल कितना मिला 46। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी ई एफ, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा एंगल बी ई एफ प्लस वाई इक्वल्स यहाँ पे कितना डिग्री होगा 180, बी एफ कितना दैट इज 46, वाई और वाई ऐड हुआ तो कितना होगा 2y, फिर यहाँ पे 2y इक्वल्स इधर बन जाएगा 180 माइनस 46। नेक्स्ट 2y इक्वल्स यहाँ पे ये बन जाएगा दैट इज 134, y इक्वल्स 134 अपॉन यहाँ पे कितना है 2,
यहाँ पे बन रहा है 67। अब इसके आगे सबसे लास्ट क्या है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, एक्चुअल में क्या बन रहा है, इधर एक जेड बन रहा है। तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, एंगल एक्स या मेजर एंगल एक्स इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर एंगल वाई इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 67 डिग्री। अब आते नेक्स्ट वाले। ये ट्राइगिक सम्स में आपका कंसेप्ट क्या है कि आप कौन से एंगल्स फटाफट ढूंढ के निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये भी कितना बनने वाला है, यहाँ पे 48 डिग्री बनेगा, ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग है तो ये यहाँ पे कितना होगा 77। यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180। दूसरा में ये एंगल कितना लिख सकते हो, यहाँ पे 48, तो 48 77 और एक्स ऐड किया तो भी कितना होगा 180। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट इन ट्राइंगल ए सी डी यहाँ पे होगा एक्स प्लस 48 प्लस 77 इक्वल्स कितना डिग्री होगा 180। एक्स प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 125, ये कितना आएगा, दैट इज 180 डिग्री। एक्स इक्वल्स इधर कितना होगा, 180 माइनस 125, एक्स इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 55। नेक्स्ट आते ये वाले क्वेश्चन पे, इधर भी हमें क्या करना है, सेम वही करना है। सबसे पहले हमें पता है क्या कि यहाँ पे ये एंगल एंड जो ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या रहने वाले, इक्वल रहने वाले। फाइन, अब कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 76 दिया, तो यहाँ पे हम लोग 76 से क्या ढूंढ सकते हैं, इधर नोटिस हो रहा है पैरेलल लाइन, इधर आ रहा है ट्रांसवर्सल एंड यहाँ पे आ रहा है पैरेलल लाइन, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं यहाँ पे क्या लूंगा, दैट इज जेड लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा दैट इज जेड प्लस 76 इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180। जेड इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180 माइनस यहाँ पे 76, जेड इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 104 डिग्री होगा। फिर जेड से हम लोग क्या निकालने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे ये वाई निकालने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे वाई जेड कितना था, दैट इज 104, वाई इक्वल्स इधर आएगा 180 माइनस कितना होगा, 104, वाई इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 76। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते, यहाँ पे ये जो एक्स बन रहा है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, बीडीई का। तो यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे बनने वाला है एक्स, ये इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल वाई प्लस क्या होगा, एंगल वाई, एंगल एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 76 प्लस 76, एंगल एक्स यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 152 डिग्री बनेगा। कौन सा थियरम हमने लगाया, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम लगाया। आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे एक्स किसके बराबर रहेगा, अंदर के दो एंगल्स के क्या रहने वाले, बराबर रहने वाले। ठीक, अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे जो जो चीजें हमें पता है वो पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये भी आएगा 116, क्यों, वर्टिकली क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना आएगा, दैट इज 116 माइनस क्या करेंगे, 180, तो 116 से 180 कम करेंगे, तो यहाँ पे ये जो बनने वाला है ये कितना डिग्री आएगा, दैट इज 64। फिर यहाँ पे नोटिस हो रहा है ट्रायंगल के तीन एंगल्स बन रहे, तो 51 और 51 और 64 को ऐड करेंगे, ये कितना होगा, दैट इज 115। उसको 180 सब्ट्रैक्ट करने पे जो ये एंगल है ये कितना आएगा, दैट इज ये आएगा, दैट इज यहाँ पे 65। अभी 65 और एक्स ये दोनों क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों क्या रहेगा, दैट इज इक्वल। क्या किया हमने, सबसे पहले 116 से आप डायरेक्टली ये भी ढूंढ सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने सारे एंगल जो मुझे ढूंढ सकता है मैंने सब ढूंढ के निकाला। तो पहले ये तो वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्टली होता है, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है तो ये 64 आ गया।
फिर तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180। इसे हमने क्या किया, तीसरा एंगल भी ढूंढ के निकाला। फिर ये और ये यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टार्ट कैसे करोगे, इधर कुछ ज्यादा नाम वगैरह दिया नहीं, तो हमने इसको क्या लेंगे, दैट इज एक्स। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे होगा 116 प्लस यहाँ पे एक्स, ये कितना आएगा, दैट इज 180। एक्स मत लेना, वाई लेना, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज किया नीचे। तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ये होगा 180 माइनस 116, वाई इक्वल्स यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज ये बनेगा 64। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हमने क्या लिया था, वाई लिया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज जेड। इस केस में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज y प्लस z प्लस 51 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। y के बदले इधर आएगा 64, z के बदले हमें पता नहीं है, 51 तो एज इट इज होगा। यहाँ पे नंबर और नंबर ऐड करके ये होगा 115 प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा, 180। x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180 माइनस 115, x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 65। अब यहाँ पे x नहीं, हम लोग यहाँ पे z लेंगे, सॉरी यहाँ पे मेजर एंगल z किसके बराबर रहेगा, दैट इज मेजर एंगल x के, और ये कितना डिग्री होगा, 65। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये टाइप के क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी किए हैं। यहाँ पे ये एंगल क्या रहेगा, x, सर x नहीं y रहेगा, ये एंगल भी यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज वाई, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल रहेगा, क्योंकि इसके साइड्स भी क्या है, सेम। तो यहाँ पे क्या होएगा, दैट इज सेम चीज, वाई प्लस 30 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180। 2y+30 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180। 2y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180 प्लस 30 यहाँ पे गया तो क्या होगा, माइनस। ओके ये कितना आएगा, दैट इज 150। वाई इक्वल्स यहाँ पे होगा 150 अपॉन क्या होगा, 2, विच इज यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। फिर लास्ट स्टेप में क्या आएगा, दिख रहा है यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, एंड क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेलल लाइन जेड फॉर्म हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आएगा, दैट इज मेजर एंगल वाई इक्वल्स मेजर एंगल एक्स, तो ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, दैट इज 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन, सेम चीज यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, दैट इज एक्स, ये एंगल भी यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज एक्स होगा। फाइन, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा जरा देख लेना। सबसे पहले ये अगर नोटिस हो रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन, यहाँ पे बन रहा है ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन। तो ये 154 यूज करके हम लोग क्या कर सकते, ये वाला एंगल ढूंढ के निकाल सकते, ये कितना होगा 154, क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम लोग यहाँ पे पर्पस के लिए क्या लेंगे, दैट इज ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज जेड लेंगे। तो यहाँ पे मेजर एंगल जेड इक्वल्स टू कितना होगा, 154। यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, दैट इज ऑल्टरनेट क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज एंगल। देखिए ये पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर एंगल जेड प्लस मेजर एंगल एक्स प्लस मेजर एंगल एक्स, ये कितना होगा, 180। 154 प्लस 2x इक्वल्स यहाँ पे होगा 180। 2x इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 माइनस 154। 2x इक्वल्स यहाँ पे होगा 26। x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 13। अब लास्ट यहाँ पे x और y क्या बन रहे, दैट इज कर ये लीनियर पे, तो यहाँ पे होगा मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल y, ये दोनों मिला के कितना होगा, 180। यहाँ पे x के बदले क्या होएगा, 13। यहाँ पे मेजर एंगल वाई ये बन जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 13, मेजर एंगल वाई जो है ये यहाँ पे होगा, दैट इज 167 डिग्री। ओके, तो
तो यहाँ पे वो पैरेलल लाइंस वगैरह ट्राई करना कोशिश करने, इजी क्वेश्चन है। तो सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल किसके साथ, लाइन डी ई के साथ, एंड यहाँ पे लाइन बी ई इस क्या दैट इज ट्रांसवर्सल। फिर यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे एंगल एफ मेजर एंगल एफ ई जी इक्वल्स मेजर एंगल यहाँ पे किसके रहेगा बीई डी के, और ये कितना आएगा यहाँ पे 47 डिग्री, इधर ही होगा वर्टिकली ऑपोजिट क्या रहने वाले दैट इज एंगल्स। तो ये यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल गया दैट इज 47 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर एंगल एक्स प्लस 47 डिग्री कितना होगा दैट इज 180 डिग्री, यहाँ पे बनने वाला दैट इज लीनियर पेयर। फिर इधर आएगा मेजर एंगल एक्स 180 प्लस 47 यहाँ पे गया तो क्या होगा माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे ये यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 133 डिग्री। ये हो गया हम लोग का सबसे पहला सम। ओके नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे हम लोग कौन से एंगल्स ढूंढ के निकाल सकते उसका ट्राई करते। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 64 है, तो वाई भी कितना होगा 64, इसका रीजन क्या है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आएगा लाइन डी ई पैरेलल किसके साथ बोला गया लाइन एफ जी के साथ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वाई से 64 ये वाला एंगल हम लोग डायरेक्टली ढूंढ के निकाल सकते। अब कैसे कर सकते, यहाँ पे ये जो एंगल है मेजर एंगल वाई ये कितना डिग्री होगा दैट इज 64 डिग्री, यहाँ पे इसका रीजन क्या दैट इज इधर आएगा करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा दैट इज एंगल, यहाँ पे हमें मेजर एंगल एक्स निकालना है। तो अगर ये 113 रहेगा तो ये एंगल भी कितना होगा 113, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर आएगा पहले तो हम लोग लिखेंगे लाइन क्या होगा ए बी पैरल रहेगा किसके साथ लाइन सी डी के साथ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लाइन पी एस यहाँ पे इस केस में क्या होगा दैट इज ट्रांसवर्सल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा एंगल बी क्यू आर मेजर एंगल बी क्यू आर इक्वल्स यहाँ पे मेजर एंगल डी आर एस, और ये कितना आएगा दैट इज इधर आएगा 113 डिग्री, क्या रीजन लिखोगे दैट इज करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है एंगल मेजर एंगल एक्स प्लस 113 डिग्री कितना बनेगा 180 डिग्री, यहाँ पे एक्चुअल में क्या फॉर्म हो रहा है दैट इज लीनियर पेयर। फिर मेजर एंगल एक्स यहाँ पे कितना होगा 180 माइनस 113, मेजर एंगल एक्स जो रहेगा ये यहाँ पे कितना आने वाला दैट इज 67 डिग्री बनने वाला। ओके ये सब देखना, यहाँ पे सबसे पहले चीज हमारा सबसे पहला ये एक पैरेलल लाइन बन गया यहाँ पे, यहाँ पे ये हमारा क्या है सेकेंड पैरेलल लाइन है फाइन। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको मैं ब्लू से बताता हूं, ये क्या हो गया यहाँ पे ये बनेगा ट्रांसवर्सल। ओके सबसे पहले चीज हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक जेड फॉर्म हो रहा है, जरा ब्लैक कलर की से मार्क करता हूँ पैरेलल लाइन ये दिख रहा रहेगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे बनेगा दैट इज ट्रांसवर्सल एंड यहाँ पे क्या बन रहा है एक पैरेलल लाइन। क्या यहाँ पे वाई के साथ कोई भी अल्टरनेट है क्या वो आप चेक करो, तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करोगे ये जो एंगल है इसको आप क्या लोगे दैट इज जेड, ठीक है। इसको दो तीन तरीके सॉल्व करने का हम लोग जो इजी जो तरीका दिख रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेजर एंगल जेड प्लस 85 डिग्री ये इधर कितना होगा 180 डिग्री,
मेजर एंगल जेड, ये आपे होगा 180 माइनस 85। मेजर एंगल जेड ये यहाँ पे कितना होगा 95 डिग्री। तो हमें ये जेड कितना मिला यहाँ पे 95। सिमिलरली ये वाई भी कितना होगा 95 रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मेजर एंगल जेड मेजर एंगल वाई के बराबर रहेगा और यहाँ पे कितना होगा दैट इज 95 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पे कितना मिल गया दैट इज 95 डिग्री। अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट इसको जस्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर आते नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक जेड फॉर्म होते दिख रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे और एक क्या दिख रहा है, पैरेलल लाइन आपको नोटिस हो रहा है। अब ये पूरा क्या है 150। हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल को यहाँ पे क्या लेंगे दैट इज W लेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मेजर एंगल W प्लस 150 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 180। मेजर एंगल W ये होगा 180 माइनस 150। मेजर एंगल W यहाँ पे कितना होगा दैट इज 30 डिग्री होगा। यहाँ पे ये जो W हो गया ये कितना होगा 30। सेम चीज यहाँ पे ये एंगल को हम लोग क्या लेंगे V लेंगे। तो यहाँ पे मेजर एंगल V इक्वल्स क्या रहेगा मेजर एंगल W और यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे ये जो V है यहाँ पे कितना बन गया 30 डिग्री। अब आते लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे यहाँ पे क्या बोला है मेजर एंगल वी प्लस मेजर एंगल एक्स ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा 180। मेजर एंगल वी सॉरी मेरा गलती हो मेजर एंगल एक्स ये कितना होगा 180। मेजर एंगल वी कितना आया था यहाँ पे आया था 30 डिग्री पे। मेजर एंगल एक्स कितना होगा 180 माइनस 30। मेजर एंगल एक्स यहाँ पे कितना होगा 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है ये पार्ट क्या होता है कंप्लीट। ये थोड़ा सा ज्यादा ही टफ सम है तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन क्या करना पड़ेगा, आप सारे एंगल्स वगैरह ढूंढ के निकालो, सारे पैरेलल लाइंस वगैरह बना के ट्राई करो, तब जाके आपको ये सम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें दिख रहा है कि आप एक जेड फॉर्म हो रहा है करके, इनके से आपको नहीं दिख रहा, आप डिफरेंट तरीके से आप ट्राई करके फिर यहाँ पे जाने का कोशिश कर लेना। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये सब में आपको मोस्टली पैरलोग्राम का प्रॉपर्टीज अगर पता रहेगा तो ये सब थोड़ा सा आपको इसलिए इजी पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, एक पैरल लाइन है, इधर एक ट्रांसवर्सल है एंड इधर क्या फॉर्म हो रहा है, एक पैरल लाइन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल को यहाँ पे हम लोग इसको क्या लेंगे वाई लेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे इधर कितना होगा 120 प्लस यहाँ पे 38 प्लस यहाँ पे क्या होगा वाई, तीनों मिला के कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन, क्या लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट सी डी, फिर ये ऐड हो गया यहाँ पे 158 प्लस वाई इक्वल्स कितना होगा 180। वाई इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 माइनस 158, वाई इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा दैट इज 22 डिग्री। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को क्या नोटिस हो रहा है, एक लीनियर पेयर क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। अगर ये 41 रहेगा इसको हम लोग क्या लेंगे W लेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा एंगल W या मेजर एंगल W प्लस 41 इक्वल्स कितना होगा 180 डिग्री। मेजर एंगल W ये होगा 180 प्लस 41 यहाँ पे गया तो माइनस 41। मेजर एंगल W ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1, यहाँ पे आप बोल सकते हो 40 कम किया तो ये 139 डिग्री, तो W हमें मिल गया 139।
लास्ट हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, दैट इज एक्स वाला एंगल ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेजर एंगल वाई प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू प्लस मेजर एंगल एक्स, तीनों मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 180। मेजर एंगल वाई ये कितना होगा, 22 प्लस यहाँ पे 139 प्लस यहाँ पे मेजर एंगल एक्स ये होगा 180। मेजर एंगल एक्स ये यहाँ पे कितना होगा, 180। इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा, 161। मेजर एंगल एक्स कितना है, 180 माइनस 161। मेजर एंगल एक्स जो यहाँ पे होगा ये कितना होगा, दैट इज 19 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले चीज ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, दैट इज यहाँ पे जो पैरलाइन, इसको पहले मार्क करके रखो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। ये एक पैरलाइन यहाँ पे बन रहा है, ये एक पैरलाइन यहाँ पे बन रहा है। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 53 से ये वाला एंगल ढूंढ सकते हैं। 53 क्या बन रहा है, करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 28 बन रहा है, तो ये भी यहाँ पे कितना होगा, 28 वर्टिकली ऑपोजिट। ये 53 रहेगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर, और ये कितना होगा, दैट इज यहाँ पे होगा 127 डिग्री। फिर ये तीनों को ऐड करके कितना होगा, 180 डिग्री आएगा। भाई ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको जो जो एंगल्स निकाल सकते हो फटाफट निकाल के आप ट्राई करो, एंड देन फिर सम कोशिश करना सॉल्व करने का। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पे होगा ए सी, ये पैरेलल होगा किसके साथ, डी जी के साथ। नेक्स्ट इज यहाँ पे बी एच इज क्या है, दैट इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, दैट इज सी बी एफ। ठीक है, ये इक्वल मेजर एंगल सी बी एफ इक्वल्स यहाँ पे होगा मेजर एंगल जी एफ एच, और इक्वल टू कितना डिग्री होगा, दैट इज 53 डिग्री। यहाँ पे एक्चुअल में क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज करेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, दैट इज एंगल। ओके, नेक्स्ट ये 53 आ गया, फिर यहाँ पे मेजर एंगल यहाँ पे होगा जी एफ एच प्लस मेजर एंगल जी एफ एच हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, एच एफ ई, दैट इज ये वाला पर्टिकुलर एंगल, दैट इज एच एफ ई यहाँ पे आएगा, एच एफ ई ये इक्वल्स कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहा है एक्चुअल में, लीनियर पेयर, तो यहाँ पे जी एफ एच के बदले इधर कितना आएगा, 53 आएगा, मेजर एंगल एच एफ ई कितना होगा, यहाँ पे होगा 180, मेजर एंगल एच एफ ई ये होगा, दैट इज 180 माइनस कितना होगा, 53, मेजर एंगल एच एफ ई 50 ये किया तो इधर कितना आएगा, दैट इज ये 130 होगा, और तीन कम करोगे तो कितना होगा, 127। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 127 ये 28 और ये एक्स को ऐड करेंगे, तो लास्ट पार्ट में मेजर एंगल इसका नाम क्या आएगा, एच एफ ई प्लस मेजर एंगल यहाँ पे होएगा एफ ई एच प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू कितना होगा, 180, एच एफ ई के बदले आएगा 127, यहाँ पे होगा 28 प्लस एक्स इक्वल्स कितना होगा, 180, ऐड करके कितना हो रहा है, दैट इज 155 प्लस 180 दूसरा गया तो क्या होगा, सॉरी प्लस 155 दूसरा गया तो क्या होगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे कितना होगा, दैट इज 25 डिग्री होगा। ये सम भी क्वाइट इजी है, यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है पैरेलल लाइन, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसवर्सल, इधर हो रहा है पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो इधर आएगा मेजर एंगल एक्स प्लस 32 डिग्री ये कितना होगा, यहाँ पे 180, मेजर एंगल एक्स ये होगा 180 प्लस 32 इक्वल्स होगा माइनस मेजर एंगल एक्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 148 डिग्री। क्वाइट इजी क्वेश्चन था ये,
नेक्स्ट वाले पे इसमें तो कौन सा एंगल है पूछा नहीं बता नहीं। ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल ढूंढ के निकालना है। ये टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, जरा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या रहेगा, ये एंगल वाई और ये एंगल भी क्या रहने वाला है, वाई। 110 और वाई ऐड के तो कितना होगा 180, सप्रैक्ट करने पे ये कितना होगा 70, ये भी कितना होगा 70। क्या फॉर्म हो रहा है, एक जेड फॉर्म हो रहा है। अगर ये 70 रहेगा तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे 70 डिग्री बनने वाला है। ये क्वाइट इजी है, जरा खुद से कर लेना। ओके ये वाला करते, यहाँ पे हमें क्या ढूंढने बोला, ये एक्स ढूंढ के निकालने बोला। फाइन कैसे करेंगे हम लोग ये, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस हो रहा है ये तीनों एंगल मिला के कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये पूरा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये लीनियर पेयर के साथ साथ इधर एक ट्रायंगल भी अंदर बन रहा है, तो हमें दोनों कॉम्बिनेशन यूज करके करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे एज यूजल जो भी पैरेलल हो बता देना, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू यहाँ पे क्या होगा सी डी, एंड यहाँ पे एफ ई इज क्या, दैट इज ट्रांसवर्सल। ओके सबसे फर्स्ट यहाँ पे मेजर एंगल, इसका नाम क्या रहेगा, सीई एफ प्लस मेजर एंगल, यहाँ पे क्या होगा एफ ई जी प्लस मेजर एंगल यहाँ पे होगा जीई डी, तीनों मिला के कितना होने वाला है 180, ये होगा 120 प्लस 48 प्लस मेजर एंगल जीई डी, यहाँ पे होगा 180। इन दोनों को ऐड किया तो 168 प्लस 168 दूसरे का तो क्या होगा, दैट इज माइनस 168। सब्ट्रैक्ट करने पे ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12 डिग्री रहेगा। तो ये मिल गया, दैट इज कितना है 12 डिग्री। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो टोटल कितना होगा 60। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वापस ओके। तो ये पूरा एंगल जो है, ठीक है यहाँ पे इसको मार्क करता हूं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल टुगेदर मिला के कितना होगा, दैट इज 180 होगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इधर आएगा मेजर एंगल, इसका नाम क्या आएगा, बी एफ ई प्लस मेजर एंगल यहाँ पे एफ ई डी, ये दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। मेजर एंगल बी एफ ई, मेजर एंगल एफ ई डी जो रहेगा ये कितना होगा, दैट इज 60। यहाँ पे मेजर एंगल बी एफ ई, ये यहाँ पे कितना होगा 180 प्लस 60, यहाँ पे गया तो क्या होगा माइनस, मेजर एंगल बी एफ ई ये यहाँ पे कितना होगा 120। ओके अब बी एफ ई में हम लोग के अंदर वाला पार्ट हमें पता नहीं है, तो हम लोग ये जो एंगल है इसको हमें क्या लेना चाहिए, इसको हम लोग क्या लेंगे, अंदर वाले पार्ट को जेड लेंगे। अब यहाँ पे मेजर एंगल, इसका नाम क्या रहेगा, जी एफ ई प्लस मेजर एंगल यहाँ पे होगा एफ जी ई प्लस मेजर एंगल यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एफ ई जी, तीनों मिला के कितना डिग्री होगा 180। जी एफ ई को तो हमने क्या लिया है जेड, एफ जी ई को हमने लिया है 35, एफ ई जी को हमने लिया है 48। यहाँ पे जेड प्लस 35 और 48 को ऐड करके यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ये बनेगा 83। जेड इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 माइनस 83, जेड इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 97।
फिर जेड प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल बी एफ ई, ये किसका बना रहेगा, जेड प्लस एक्स का। बी एफ ई कितना था, 120, ये कितना था, 97, प्लस यहाँ पे कितना था एक्स, प्लस 97 यहाँ पे गया तो क्या होगा, -97, इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना होगा, 23, और ये किसके बराबर रहने वाला है, एक्स के बराबर रहेगा। ये सम जो है, इसका प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट आपको एक रैंडम तरीका बता रहा हूँ। पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन, तो अगर ये 25 रहेगा तो ये भी यहाँ पे कितना होगा, 25, इसका हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, विल टेक इट एज वाई, तो 63 प्लस 25 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 180, फिर इनको ऐड किया तो कितना होगा, दैट इज 88, 88 180 से सब्ट्रैक्ट करने पे ये यहाँ पे कितना बनेगा, 92, फिर 92 और ये एक्स, ये दोनों मिला के क्या आएगा, दैट इज 180, ये आप क्या कर सकते हो, दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल लगा के भी कर सकते हो, इससे भी आपको आंसर आएगा। दूसरा तरीका, आप ये 124 को यूज करके भी कर सकते हो, वो चॉइस आपके ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज पहले बताएंगे ए डी, ये पैरल रहेगा किसके साथ, बी सी के साथ, एंड यहाँ पे डी बी जो है ये क्या, दैट इज ट्रांसवर्सल है। ओके, तो सबसे पहले एंगल ए डी पी इक्वल्स यहाँ पे मेजर एंगल डी बी सी आएगा, और इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 25 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे इन ट्राइंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी ई, यहाँ पे क्या बताएंगे, एंगल ए बी इज क्या है, रिमोट या एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं, इस एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल ए ई डी ये इक्वल्स यहाँ पे होगा 63 प्लस कितना होगा, 25, ये दोनों ऐड होके कितना होगा, दैट इज 88 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। तो दैट इज एक्सरसाइज दैट इज 2.2 से रिलेटेड या 2.1 से रिलेटेड, जो भी हॉट्स क्वेश्चन है हमने वो भी कर लिया है।